उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड मुरादाबाद की जिला परिषद की एक बैठक मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी और संचालन जिला सचिव राजीव कुमार पाठक द्वारा किया गया। डॉक्टर सुनीता डीसी सिंह ने भी सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। संस्था में कोई भी अपनी मनमानी या निष्क्रियता दिखाने वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रत्येक संस्था में स्काउट गाइड की सक्रिय इकाई का गठन और नवीनीकरण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। क्षेत्रीय जिम्मेदारियां देकर स्काउट गाइड के उद्देश्य को 100% पूरा करने में कदम मिलजुल कर उठाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर मधुबाला त्यागी, मनोज कुमार सक्सेना, शिव कुमार शर्मा, राजीव कुमार पाठक, गौरव सक्सेना, बिमला कश्यप कुमार, श्वेता पुठिया, संजय कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, मधु सक्सेना, सीमा शर्मा, उदयराज सिंह, मंजू तिवारी, नीलिमा चौहान, विमलेश कुमारी, अमिता भारती आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हमारे भारतीय स्काउट गाइड मुरादाबाद की परिषद की मीटिंग थी जो वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से की जाती है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक जी ने की। आज के कार्यक्रम का जो एजेंडा था तो वो था पिछले वर्ष या कहा 2019 और 20 में हमने क्या कार्यक्रम किए उनका यहाँ समीक्षा होनी थी। पिछले साल में बताना चाहूँगी कि हमारी टीम के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, जो गरीब बस्तियाँ थी विशेष रूप से वहाँ किया गया, मास्क बांटे गए और जो मदद हम कर सकते थे भोजन आदि दाल आदि के द्वारा भी हमने वहाँ पर मदद की। मैं अपनी टीम का पूरी जिन्होंने इसमें सहयोग दिया मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी, वो बधाई के पात्र हैं भी। साथ ही जो पंजीकरण होना है 2021 का या कोटा मनी जमा होनी है या नवीनीकरण होना है उसको भी हमारे इस एजेंडे में रखा गया कि सभी विद्यालय में जो उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम में उपस्थित जो प्रधानाचार्य हैं वे समय से अपना पंजीकरण करा लें तथा 500 बच्चों पर एक दल पंजीकृत होना है और 500 से ऊपर दो दल पंजीकृत होने हैं, उन दलों को पंजीकृत समय पर करा लें। सभी का साथ होगा तो ये संस्था और अत्यधिक अच्छे से चलेगी। हमारा यही प्रयास है कि संस्था गत वर्षों से और अधिक चले, अधिक बच्चों का पंजीकरण हो। कोरोना काल में बहुत अधिक हमारे कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं, बच्चों का प्रशिक्षण भी नहीं हो पाया है। शायद अब वैक्सीन आ गई, स्थिति सुधरेगी तो फिर से हम प्रशिक्षण का विद्यालय में शुरू कर देंगे। यहाँ हमारा जो हमारी BTC या LED BEd वगैरह के जो कॉलेज हैं वहाँ पर हमारा प्रशिक्षण शुरू भी हो गया। दीदी